अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे कर चुकी हूँ मैं सफाई। सफाई करने के बाद आज मैंने बिरयानी की रेसिपी ट्राई की, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने चिकन धो लिया है। चिकन धोने के बाद मैंने यहाँ पे कुकर में डाला है तेल, उसमें डाली है प्याज। तो यहाँ पे प्याज को फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो जब तक हो रहा है यहाँ पे हमारी चिकन गोल्डन ब्राउन, तब तक हम कर लेते हैं अपना चिकन मैरिनेट। चिकन मैरिनेट के लिए चाहिए हमें कुछ खड़े मसाले और कुछ पाउडर मसाले, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पे ये सारे मसाले डालने के बाद इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी दही। तो और जैसे कि आज सैटरडे है और सैटरडे होता है मेरा कुकिंग डे, क्योंकि मैं मंडे टू फ्राइडे काम नहीं करती हूँ, जाती हूँ ऑफिस, तो दो दिन मुझे करने पड़ता है काम। तो यहाँ बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर बिरयानी। तो अब डालेंगे हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और इसमें डालेंगे फिर हम बाद में अपनी जो हम फ्राई करी थी प्याज। तो जैसे कि अब मेरी प्याज हो चुकी है गोल्डन ब्राउन। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको निकाल लेंगे हम साइड में, फिर इसमें डालेंगे प्याज। फिर प्याज के बाद डालेंगे हम इसमें हरा धनिया। हरा धनिया के साथ डालेंगे हम थोड़े से तेजपत्ता के पत्ते, और इसमें इसको फिर कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। तो इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स, क्योंकि मिक्स करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा चिकन है उसके अंदर से सारे मसाले मिक्स हो जाएं। अब इसमें डालेंगे हम अपना थोड़ा सा नींबू का रस। तो नींबू का रस डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, और फिर नींबू का रस डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम साइड में रख देंगे थोड़ा मैरिनेट होने के लिए। तो फिर यहाँ पे हम मैंने ले लिए हैं चावल, जो कि मैंने ऑलरेडी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। अब यहाँ पे लेंगे हम गरम तेल अपना, और गरम तेल में डालेंगे जो भी हमने चिकन मैरिनेट किया था थोड़े टाइम के बाद। तो इसको अच्छे से हम पका लेंगे। तो इसको पका लेंगे अच्छे से, और फिर यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपने पहले ही चावल बॉईल करने के लिए रख दिए थे, जिसमें मैंने डाला था नींबू तेजपत्ता के पत्ते। तो ये चिकन हम यहाँ पे पकाने के लिए हम इसमें लगाएंगे एक सीटी। तो सीटी लगाने के बाद ये हम देखेंगे अब ओपन करके कि अच्छे से चिकन पक चुका है कि नहीं। तो देख सकते हैं चिकन कितना अच्छा लग रहा है देखने में माशाल्लाह से। तो यहाँ पे चिकन हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। कुक होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जो हमने अपने चावल बॉईल करके रखे थे। तो ऊपर से हम यहाँ इसमें थोड़े से चावल डालेंगे और उसमें अच्छे से फैला देंगे और आराम। तो अब डाल दिया मैंने इसमें चिकन, और इसको अच्छे से पूरे कुकर में फैला देंगे और आराम, और ध्यान रखें आराम से करना है ताकि हमारे चावल टूटे नहीं, क्योंकि चावल टूट जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं दिखने में भी। तो यहाँ पे डालूंगी फिर मैं थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद उसको भी अच्छे से फैला दूंगी। फैलाने के बाद इसमें डालूंगी थोड़ा सा फूड कलर, जो कि बिरयानी कलर होता है। और फिर इसमें ऊपर से मैं दोबारा डालूंगी मेरे बचे हुए चावल, जो कि फिर उसको अच्छे से दोबारा से स्प्रेड कर देंगी सभी में। फिर दोबारा हरा धनिया डालेंगे, इसमें थोड़ी सी डालेंगे भुनी हुई प्याज, और इसको कर देंगे हम बंद। तो बंद करने के बाद इसको हम पकाएंगे 10 से 15 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि जो हमारा नीचे का चिकन है वो लगे ना। अब यहाँ पे हमारी चिकन बिरयानी हो गई है बनकर तैयार। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह से ये दिखने में। और हम इसको बाद में टेस्ट करेंगे जब हम रोज़ा खोलेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप भी इसे ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।